शहर के ब्यावश्री थाना क्षेत्र में मामूली विवाद में युवक की हत्या का मामला सामने आया है। पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर मृतक के शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया। फिलहाल पुलिस हत्यारों की तलाश में जुटी हुई है। ब्यावर सिटी थाना अधिकारी सुरेंद्र सिंह जोधा ने बताया कि नाहरपुरा गांव का रहने वाला 20 वर्षीय सुरेश अपने माता पिता के साथ बैंक आया था। माता पिता बैंक में गए हुए थे। इस दौरान सुरेश बैंक के सामने स्थित एक चाय की थड़ी पर बैठा हुआ था, जहां पर लेखराज तरुण तथा भरत सिंह नामक तीन युवक बाइक पर सवार होकर आए और लोहे के पाइप से सुरेश पर हमला कर दिया और फरार हो गए। सुरेश के सिर में गंभीर चोट आई। सुरेश को अमृत कौर अस्पताल पहुंचाया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद जैलन अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। जैलन में उपचार के दौरान सुरेश ने दम तोड़ दिया। मामले में हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। थाने के एसआई शौकत ने बताया कि मृतक सुरेश का लेखराज व अन्य से जवाजा के मेले में कोई विवाद हो गया था, जिससे लेखराज व अन्य उससे रंजिश रखते थे। इसी रंजिश वश सुरेश पर लोहे के पाइपों से हमला किया था, जिसमें सुरेश की मृत्यु हुई। मृतक के शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाकर परिजन के सुपुर्द कर दिया गया है। पुलिस की टीम में लेखराज तरुण और भरत सिंह की तलाश में जगह जगह दबिश दे रही है। कॉलेज रोड पर बैंक ऑफ बड़ौदा की एक शाखा है, उसमें विजय सिंह नाम के व्यक्ति हैं, जो जवाजा हल्के के नारपुरा के रहने वाले हैं। वो अपनी पत्नी और बेटे के साथ यहाँ बैंक में आए थे। पति पत्नी दोनों बैंक के अंदर गए। बेटा उनका सामने चाय की थड़ी थी, वहाँ बैठा था। इसी दरमियान एक मोटरसाइकिल पे तीन व्यक्ति आए और उन्होंने उसके साथ मारपीट की। वो अपने जान बचाने के लिए सामने जो लकड़ी का शोरूम है उस पे वो जान बचाने के लिए भागा। फिर वहाँ कांच के जो लगे हुए थे उसमें अंदर नहीं जा पाया। वहाँ उसके साथ और मारपीट हुई। फिर यहाँ से हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में रेफर करने के बाद उसकी इलाज के दौरान अजमेर में डेथ हो गई। तो कल रात शाम को उसके पिताजी ने जो रिपोर्ट दी उस पर मुकदमा दर्ज किया जाकर आज बॉडी का पोस्टमार्टम कराया गया। शव को उनके परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। मुलजिमों की तलाश हेतु अलग अलग जगह दबिश दी जा रही है। उनको आइडेंटिफाई कर लिया गया है। ब्यावर शहर में राजस्थान का पहला विश्व स्तरीय अमेरिका जापान जर्मन की मशीनों द्वारा आंखों की जांच मोतियाबिंद के ऑपरेशन डॉक्टर मौर्य आंखों के अस्पताल में किए जाते हैं। जर्मन की लेजर मशीन से आंखों के लेंस की सफाई एवं काला पानी की जांच की जाती है। मोतियाबिंद का ऑपरेशन एल्पिस माइक्रोफेको तकनीक द्वारा बिना चीरा बिना टांका बिना सुई के ट्रॉपिकल से फोर्डेबल मोनोफोकल से मल्टीफोकल एवं टॉरिक लेंस प्रत्यारोपित किए जाते हैं। मिलने का स्थान ओपीडी सोमवार से शनिवार सुबह 9:30 बजे से 1 बजे तक। तो पता नोट कीजिए, डॉक्टर मौर्य आंखों का अस्पताल मोतियाबिंद स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल। डॉक्टर मौर्य आंखों का अस्पताल अजगर बाबा थान के पास सेंद्रा रोड ब्यावर। डॉक्टर मौर्य एमएस फेको सर्जन 9 गोकुल नगर कटारिया कॉलोनी के पास गणेशपुरा रोड ब्यावर। मोबाइल नंबर 94142 64461।